हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो हाल ही में रिलीज हुई मूवी सेंटीग्रेड। ये एक सर्वाइवल थ्रिलर है और ये ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। ये कहानी एक मैरिड कपल की जिनकी कार एक ब्लिजर्ड में फंस जाती है। इस हॉरिफाइंग सिचुएशन में वो कैसे सर्वाइव करेंगे, यही हम इस मूवी में देखने वाले हैं। तो ऐसे ही और यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। ये बहुत ही ज्यादा लो बजट वाली मूवी है और पूरी फिल्म सिर्फ एक कार के अंदर ही बेस्ड है, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि इसमें डायरेक्शन कितना मायने रखती है। 2007 में भी एक सेंटीग्रेड नाम की फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि 2002 में एक अमेरिकन नॉवलिस्ट नाओमी अपने हस्बैंड मैट के साथ नॉर्वे जा रही थी अपनी बुक साइनिंग के लिए। हम देखते हैं कि वो अपनी कार में फंसे हुए थे और उनकी कार के चारों तरफ बर्फ जमी थी। लेकिन ये कैसे हुआ? ये हुआ मैट की लापरवाही की वजह से। कल शाम को जब वो अपने होटल जा रहे थे तो रास्ते में ही स्नोस्टॉर्म शुरू हो गया। मैट को सामने का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और ऐसे ड्राइविंग करते रहना उनके लिए डेंजरस साबित हो सकता था, इसलिए मैट ने कार को रोड साइड पर रोक लिया था। उसका प्लान था कि वो तूफान के रुकने का वेट करेंगे, लेकिन लापरवाही यहाँ हुई कि वो सो गया। एक्चुअली वो दोनों ही सो गए। अब जब उनकी आँख खुली है तो उन्हें कार के चारों तरफ सिर्फ बर्फ दिखाई दे रही है। ना तो वो कार स्टार्ट कर पा रहे हैं और ना ही डोर या विंडो खोल पा रहे हैं। उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो कितनी डेंस बर्फ में फंसे हैं और चारों तरफ बर्फ से कवर होने की वजह से उन्हें ये भी नहीं पता कि तूफान अभी चल रहा है या रुक गया। ये जानना इसलिए जरूर है क्योंकि तूफान लगातार कई दिनों तक भी चल सकता है, और जब तूफान रुकेगा तभी कोई उस रोड से गुजरेगा, और अगर तूफान चलता रहा तो उनकी कार के ऊपर और ज्यादा बर्फ जमती जाएगी, जिससे उन्हें ढूंढ पाने के चांस और भी कम हो जाएंगे। ये सब सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही की वजह से। ना तो कार का रेडियो काम कर रहा था और ना ही उनके फोन में सिग्नल था। मूवी सीधा यहाँ से शुरू हुई है, इसका मतलब इसमें इधर उधर का कोई भी मटेरियल नहीं दिखाया जाएगा, जैसे वो यहाँ आते हुए कितने खुश थे या रास्ते में वो कहाँ रुके या उनका रिश्ता कितना मजबूत है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा। हमें सीधा इनका स्ट्रगल दिखाया जाने वाला है। अब वो इस सिचुएशन को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उनके पास अभी खाना और पानी दोनों थे और उन्हें लग रहा था कि वो रोड साइड पर ही हैं, तो रोड से गुजरते हुए कोई ना कोई तो उन्हें देख ही लेगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बाहर कोई रोड बचा ही नहीं, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही दिखाई दे रही है। तूफान अभी भी चल रहा था और उनकी कार भी बेयरली विजिबल थी। वर्स्ट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए वो अपने फूड को छोटे छोटे मील्स में बांट लेते हैं, जो कि 12 दिन तक उनका काम चला सकता था, और उनके पास दो पानी की बॉटल्स भी थीं। फिर भी नाओमी इस आइडिया से खुश नहीं थी। वो मैट को कहती है कि उन्हें कार से बाहर निकलकर मदद का ट्राई करना चाहिए, लेकिन मैट उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं था। वो कार से बाहर नहीं निकलना चाहता था क्योंकि ये उनके लिए सबसे सेफ ऑप्शन था। कार उनके लिए एक शेल्टर थी। बाहर जाने का रिस्क वो नहीं लेना चाहता था, चाहे कुछ भी हो जाए, और ये उसका सबसे समझदारी वाला डिसीजन था, क्योंकि नाओमी प्रेग्नेंट थी और एक प्रेग्नेंट लेडी को लेकर तूफान में भटकना उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती। लेकिन नाओमी इससे सहमत नहीं थी। दोनों की राय अलग थी और यहाँ से इन दोनों के बीच हल्की फुल्की टेंशन शुरू हो जाती है। बाहर तूफान नॉनस्टॉप चल रहा था और उन्हें कार में फंसे हुए 3 दिन बीत चुके थे। उनके पास खाना था, पानी था, ब्लैंकेट्स थे और कैंडल्स भी थी, इसलिए अभी तक उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई थी। फिर भी मैट दूर की सोच रहा था और वो बहुत ही कम फूड खा रहा था। वो अपना फूड भी नाओमी के लिए सेव कर रहा था। पूरे दिन वो एक ही जगह पर बैठे रहते थे और एक कार में वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए नाओमी वहाँ भी कुछ लिख रही थी और मोस्ट प्रोबेबली वो अपनी ये कहानी लिख रही होगी। नाओमी थोड़ी केयरलेस भी थी। वो पानी पीकर बॉटल का ढक्कन ठीक से बंद नहीं करती और मैट का हाथ लगने से वो बॉटल नीचे गिर जाती है और बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है, जिसे वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मैट उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और यहाँ उनके बीच टेंशन और बढ़ जाती है। लेकिन जितनी बार भी मैट नाओमी पर गुस्सा करता है, थोड़ी देर बाद ही वो उससे माफ़ी भी मांग लेता है। वो दोनों आराम से सो रहे थे तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि कोई उनके कार के पास खड़ा है। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं और तभी ऐसी आवाज़ आती है जैसे वो उनसे दूर भाग गया। वो समझ जाते हैं कि वो कोई एनिमल था। ये भी उनके लिए बहुत बड़ी निराशा थी। कार में फंसे हुए उनका 7वां दिन था और एक्सीडेंटली मैट कुछ फिगर आउट करता है। वो कैंडल से विंडो के पास जमी बर्फ पिघलाने लगता है ताकि वो विंडो खोल सके, लेकिन बाहर निकलने के लिए नहीं, उनका पानी खत्म होने वाला था। इसलिए पानी खत्म होने के बाद वो बर्फ को पिघलाकर पी सकते हैं और खाना खत्म होने के बाद वो बर्फ को खा भी सकते हैं, ऐसा मैट ने सोच रखा था। काफी देर की मेहनत के बाद वो विंडो को हल्का सा नीचे कर पाता है, लेकिन ये उसके लिए मोटिवेशन थी। वो अपना काम जारी रखता है। नाओमी के हाथ से अचानक उसका फोन नीचे गिर जाता है और जब वो उसे वापस असेंबल करती है तो उसमें कुछ सिग्नल्स आ जाते हैं। सबसे पहला काम वो ये करती है कि वो जल्दी से अपने डैड को कॉल करती है। कॉल पर वो कुछ भी बात नहीं करती और सिर्फ रोती रहती है। इतने में ही उनका फोन डैड हो जाता है। अब यहाँ आप मैट का रिएक्शन खुद ही समझ गए होंगे। ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका था जिसे नाओमी ने वेस्ट कर दिया।
ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं और अब तक वो बहुत सारी चीजें रिग्रेट कर रहे थे, जैसे उन्हें इस बुक साइनिंग पर आना ही नहीं चाहिए था। नाओमी कहती है कि उन्हें विंडो तोड़कर बर्फ को खोदना शुरू करना चाहिए, लेकिन मैट के लिए एक स्टूपिड आइडिया था, क्योंकि एक बार विंडो टूट गई तो उनकी पूरी हीट चली जाएगी और उनके लिए सर्वाइव करना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। इसी मतभेद के चलते उनमें फिर से फाइट हो जाती है और अचानक नाओमी की सांसें रुकने लगती हैं। इसलिए नहीं कि उसकी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि नाओमी किसी तरह की पिल्स खा रही थी जो कि उनके बच्चे के लिए हार्मफुल भी हो सकती थी, और मैट को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। या उनके बीच की टेंशन पीक पर पहुंच जाती है। अगले दिन फाइनली स्टॉर्म रुक जाता है और रोड को क्लियर करने के लिए वहां एक ट्रक आता है। उसकी आवाज सुनकर उन्हें फिर से एक होप मिलती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उस ट्रक की खुद की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि ड्राइवर को कुछ भी सुनाई नहीं देता और वो रोड क्लियर करके वहां से चला जाता है। अब यहाँ मैट भी फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि उसे अपने फैसले पर डाउट हो रहा था। अगर वो विंडो तोड़कर बर्फ हटा देते तो पक्का बच जाते, लेकिन मैट के फैसले की वजह से ड्राइवर उन्हें नोटिस नहीं कर पाया। इसी फ्रस्ट्रेशन में वो नाओमी को बताता है कि वो किसी हॉलीडे पर उसके साथ नहीं आया, बल्कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। ये बात वो पहले नहीं बता पाया क्योंकि अब वो एक बाप भी बनने वाला है। ये सब सुनकर नाओमी को बहुत गुस्सा आता है और एक तरह से यहाँ उनके रिश्ते का एंड हो जाता है। 14 दिन बीत चुके थे और उनके लिए अभी तक कोई मदद नहीं आई थी, ना ही वो रोड अभी तक शुरू हुआ था। अब उन्हें बर्फ पीने की नौबत आ गई थी, लेकिन अभी भी मैट कार में ही रहना चाहता था और नाओमी अभी सबसे पक चुकी थी। वो मैट के सोने का वेट करती है और उसके सोते ही वो उस विंडो को तोड़ देती है। मैट उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे भी इंजर्ड कर देती है। किसी तरह मैट उसे काबू करता है। नाओमी ऐसा फील कर रही थी जैसे वो किसी तंग जगह पर फंस चुकी है और उसे अभी बाहर निकलना है। ऐसा हम सभी कभी ना कभी फील कर चुके हैं और ये दम घोटने वाली फीलिंग है। इस सब पैनिक के बीच नाओमी को बहुत दर्द होने लगता है। मैट जल्दी से उसे कवर करता है, लेकिन ये कुछ और था जो उन दोनों के लिए सबसे बड़ी परेशानी हो सकती थी। ये वही है, नाओमी को लेबर पेन हो रहा था। वो उसी तंग जगह में बर्थ देने वाली थी और इस हॉरिफाइंग सिचुएशन के बारे में आप में से भी कईयों ने पहले ही सोच लिया होगा। इससे नाओमी भी बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि ये किसी के भी प्लान में नहीं था। उन्हें खुद सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था और अब जब उसने विंडो तोड़ दी है तो अब उन्हें एक और लाइफ का ध्यान रखना पड़ेगा। खैर, वो बच्चे को जन्म दे देती है और ये उनके लिए कोई खुशखबरी नहीं थी, क्योंकि उनका खाना और पानी सब कुछ खत्म था। अब वो उस बच्चे को कैसे फीड करेगी? उन्हें एक लड़की हुई थी और उसका नाम वो ओलिविया रखते हैं क्योंकि उसमें लिव आता है। 19 दिन बीत चुके थे, खाना और पानी बिल्कुल खत्म हो चुका था, वो बर्फ खाकर ही काम चला रहे थे। मैट उस बर्फ को खोद रहा था क्योंकि अब उन्हें बाहर निकलना ही पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो ओलिविया के लिए। वो जैसे तैसे उसे पाल रहे थे, लेकिन बर्फ खोदने की वजह से कार में भी टेम्परेचर गिर चुका था और ओलिविया को गर्म रखना बहुत जरूरी हो चुका था। इसलिए मैट अपने कपड़े उतार कर उनसे ओलिविया को ढक देता है और अपने काम पर लगा रहता है। गर्मी मिलने पर ओलिविया रोना बंद करती है और उसके साथ नाओमी भी सो जाती है। जब वो उठती है तो वो मैट से थोड़ा पानी मांगती है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तब नाओमी देखती है कि मैट बिल्कुल जमा पड़ा था। ये देखकर नाओमी भी पागल हो जाती है। वो पूरे हाथ पैर फेंकती है और किसी तरह उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो होश में आने वाला नहीं था क्योंकि वो मर चुका था। मैट जितना कर सकता था वो कर गया, उसने फैमिली के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। अब नाओमी उसके सैक्रिफाइस को वेस्ट नहीं कर सकती थी, उसे भी ओलिविया के लिए कुछ करना था। सबसे पहले तो उसे फीड ही करना था। अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, नाओमी अपनी डायरी तक खा चुकी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो मैट को खाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो खाती है अपनी प्लेसेंटा को जो कि डिलीवरी के वक्त उसके अंदर से ही निकली थी। कुछ खाकर ही वो ओलिविया को फीड कर सकती थी, लेकिन इस सब से वो खुद भी ट्रॉमा में जा रही थी और अगर वो भी मर गई तो ओलिविया का बचना भी पॉसिबल नहीं है। 23 दिन बीत चुके थे और आज 24वां दिन था। नाओमी का बुरा हाल हो चुका था, उसे एक बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ रहा था और उसके पास ही उसके हस्बैंड की लाश भी पड़ी थी जिसे 24 घंटे उसे देखना ही पड़ता था। ये सच में हॉरिफाइंग है, लेकिन आज उसे उम्मीद मिलने वाली थी। फाइनली वहां पर सूरज निकलता है और बर्फ पिघलने लगती है। नाओमी ये नोटिस करती है और वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए खिड़की से सारी बर्फ हटा देती है। अब फाइनली वो कार से निकल सकती थी। वो सारा जरूरी सामान एक बैग में डालती है और ओलिविया को भी वो एक बैग में डाल देती है। इसके बाद मैट को गुड बाय कहकर वो उस कार से निकल जाती है। अब ये उम्मीद भी कुछ ही देर की थी क्योंकि उसके बाहर निकलते ही फिर से तूफान शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कार में वापस नहीं जाती। मरना उसे अंदर भी है और बाहर भी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसे ओलिविया को बचाना है, इसलिए वो चांस लेती है। उसके हाथ पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे, फिर भी वो किसी तरह उन्हें चला रही थी। वो चलती रहती है और चलते चलते उसे शाम हो जाती है, लेकिन वो कहीं तक भी नहीं पहुंच पाती। उसका हौसला टूट रहा था तभी उसे एक प्लेन दिखाई देता है। नाओमी से एक सिग्नल की तरह लेती है, वो मेन रोड से उतरकर उसी के डायरेक्शन में चल देती है। अब ये उसके लिए और भी ज्यादा बुरा साबित हो सकता था, लेकिन ये उसके लिए एक शॉर्टकट साबित होता है और बर्फ पर चलते हुए वो कुछ ही देर में एक होटल के पास पहुंच जाती है।
ये उसके 24 दिन के स्ट्रगल और उसके हस्बैंड के सैक्रिफाइस का नतीजा है कि वो अपने साथ अपनी बेटी की जान बचाने में कामयाब होती है। नाओमी और ओलिविया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वो दोनों बच जाते हैं। वो सर्वाइव कर पाए थे इग्लू इफेक्ट की वजह से, जिससे उनके सारे हिट कार के अंदर ही थी, यानी कि मैट का फैसला ठीक था। नाओमी आज भी लिख रही है और वो अपना वर्क मैट को डेडिकेट करती है। तो ये था इस मूवी का एंड। मूवी बहुत ज्यादा अच्छी है, इन रियल लाइफ इवेंट से हॉरिफाइंग कुछ भी नहीं होता। ऐसे हालात में इंसान के फैसले उसे बचा भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। ऐसी और भी थ्रिलर्स आपको चैनल पर मिल जाएंगी, इनकी अलग से एक प्लेलिस्ट है। तो आप बताइए आपको मूवी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो और मेरे रेफरेंस पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना, और ऐसी और यूनिक वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन तूफान में फंसे बिना आप तक पहुंच जाए। लेटेस्ट मूवी न्यूज और फैक्ट्स जानने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ अच्छा जानने के लिए मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर आपको हॉरर के अलग अलग सब जॉनर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिनसे आप इन्हें और अच्छे से समझ सकते हो। साथ ही अलग अलग फ्रेंचाइज की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, इनकेस कभी आप बोर हो रहे हो तो आप उन्हें चेक कर सकते हो, ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।